हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि हमने स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में से स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में आपको करवा दिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को ध्यान से समझना और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इन द फॉलोइंग टेबल, आपको एक टेबल दिया हुआ है, सम ऑफ द लोअर लिमिट्स। आपने लोअर लिमिट्स का सम करना है, किस किस का? मीडियन क्लास का एंड मॉडल क्लास का। अब सबसे पहले तो मुझे पता है कि जो मॉडल क्लास होती है वो कौन सी होती है। मॉडल क्लास होती है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये वाली क्लास मॉडल क्लास नजर आ रही है, क्योंकि देखो 20 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अगर 20 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब 15 to 20 जो है बच्चों वो मॉडल क्लास आ गई। तो 15 to 20 जो है वो मॉडल क्लास है आपकी। ओके, तो इसकी जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास वो कितनी है? 15 है। ओके, अब आपने क्या करना है, इसकी मीडियन क्लास फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले हम इस टेबल को वर्टिकल व्यू में लिखते हैं। 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। अब मान लो कोई बच्चा आप में से ऐसा है जिसको मीडियन फाइंड करनी नहीं आती, तो वो बच्चा भी इस चीज की तरफ ध्यान दे कि ये आपके क्लास इंटरवल्स होंगे और ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 10, 15, 12, 29। अब आपने एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना होता है सीएफ, तो 10 के सामने 10 आएगा। अब 10 में देखो, 10 के सामने आपने 10 लिख दिया, 10 में आपने 15 ऐड किया तो 25 आ गया, 25 में आपने 12 ऐड किया 37 आ गया, 37 में 20 ऐड किया 57, और यहाँ पे कितना आ गया 66। और यहाँ पे भी अगर आप सम करके देखोगे दैट विल बी 66। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, 66 आएगा। एक बार फिर से चेक करते हैं, 10 के सामने 10, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 12 37, 37 प्लस जो 20 है आपका दैट विल बी 57, और 57 प्लस 9 66 आ गया। अब आपने n बाई 2 करना होता है, मीन्स ये n होता है आपका 66, तो 66 बाई 2 किया आपने तो ये आ गया 33। अब आपने 33 फाइंड करना है कि वो कहाँ पे होगा। देखो अब जो 33 है वो 25 तक तो हो नहीं सकता, मीन्स आपने कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में देखना है कि 33 कहाँ पे है। अब जो 25 से लेके 37 तक है, 25 से लेके 37 तक जो आपका गैप आ रहा है, इसके बीच में कहीं पे 33 भी आएगा, तो इसका मतलब आपको 37 वाली क्लास जो होगी वो सिलेक्ट करनी होगी, क्योंकि यहाँ ये 5 to 10 जो है दैट इज एग्जैक्ट फॉर 25, मतलब ये 25 तक खत्म हो गया यहाँ पे। तो 25 से लेके 37 तक जो आपकी फ्रिक्वेंसी आएगी वो किसके बीच में आएगी? वो 37 में आएगी। तो इसका मतलब जो आपकी मीडियन क्लास है वो कौन सी आ गई? मीडियन क्लास वो आपकी आ गई 10 to 15। तो इसकी जो आपकी लोअर लिमिट है वो कितनी आ गई? तो आपकी जो लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की वो आ गई 10। तो आप दोनों की लोअर लिमिट को आप प्लस कर दो, 15 प्लस 10 25, तो आपका जो सही आंसर है वो आ गया 25। 6 क्वेश्चन का आंसर है 25। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। तो लगभग सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं। यहाँ पे पूछा अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लास लिखता हूँ 0 to 5, 6 to 11, 12 to 17, 18 to 23 एंड 24 to 29। अब सबसे पहले मैं इसको कॉन्टिन्यूज करूंगा। कॉन्टिन्यूज क्लास कैसे बनाते हैं बच्चों, इस चीज को भी आप सीख लो। देखो 0 to 5 है, अब ये 5 है, ये 6 है, दोनों के बीच में कितने का गैप है? 0 to 5 और ये वो 6 to 11। तो आपने किसी एक इंटरवल की अपर लिमिट और उसके बिल्कुल साथ वाले इंटरवल की लोअर लिमिट सिलेक्ट करनी होती है और उन दोनों का डिफरेंस करना होता है। तो ये आ गया 6 - 5 1, इसका 1 का हाफ कर दो, 1 का हाफ हाफ ही होता है ना, मींस 1/2 कितना होगा? 0.5। तो आपने अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है और लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है। लेकिन जो अगर यहाँ पहली 0 है तो यहाँ पे आपको फिर सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है 0.5। तो आपने 0.5 0 को 0 ही रखा, पहले इंटरवल में 5 में 0.5 ऐड किया, 5.5 बन गया। अब जो सेकंड इंटरवल है आपका वो कितना है?
6 टू 11, अब 6 में से 0.5 माइनस कर दो, कितना आएगा 5.5, और 11 में प्लस कर दो 11.5, ये होगा 11.5, 17.5, 17.5, 23.5, 23.5, 29.5, ओके। अब ये आपके इंटरवल सही होगी। अब हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, यहाँ पे आ गया 13, 10, 15, 8, 11। अब आपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है, कितनी होगी 13 के सामने 13, 13 प्लस 10 23, 23 प्लस 15 38, 38 प्लस 8 46, 46 प्लस 11 57, तो इसका सम भी आपका 57 आएगा। तो आपका n जो है वो कितना आ गया बच्चों, 57 आ गया। अब आप क्या करो, n बाय 2 निकाल लो, 57 बाय 2, जब आप 57 बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 28.5 आएगा। अब 28.5 देखो कहां तक हो सकता है, इसमें तो नहीं होगा क्योंकि ये तो 23 तक खत्म हो गया, इसका मतलब 6 जो आपकी क्लास है 5.52, 11.5 ये नहीं हो सकती क्योंकि ये 23 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो खत्म होगी। अब 28.5 23 के बाद ही है ना, तो इसका मतलब 38 वाली क्लास उसको कैरी करेगी, तो इसका मतलब जो आपकी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास वो आपकी 38 के सामने वाली आ गई 11.5 to 17.5। तो आपसे अपर क्लास पूछ रहे हैं तो आपका आंसर आ गया 17.5। तो इस मेथड से आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट मीडियन क्लास की फाइंड करनी होती है। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप इस टेबल को सिंपल टेबल में कन्वर्ट करो। देखो बिलो 10 मार्क्स लेने वाले बच्चे 3 हैं, तो 0 टू 10 मार्क्स लेने वाले बच्चे 3 होगी। हम इसको सिंपल टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर देखो जनरली हम मिनिमम 0 ही मानते हैं ना, कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम कहते हैं कि बिलो 10, जिन बच्चों के मार्क्स 10 से कम है वो 3 बच्चे हैं, तो इसका 0 टू 10 मार्क्स लेने वाले 3 हैं। अब जिन बच्चों के मार्क्स बिलो 20 हैं, तो उसमें बिलो 10 वाले भी आ गए। आप खुद सोच के देखो कि मान लो आप क्लास में गए और आपने वहां जाके कहा कि 20 से कम मार्क्स वाले बच्चे खड़े हो जाओ, तो इसका मतलब 10 से कम वाले भी खड़े होंगे ना, क्योंकि जिसके 10 से कम है तो 20 से तो ऑटोमेटिकली कम होगी। लेकिन हमने जो इंटरवल बनाना है वो 10 टू 20 बनाना है, तो आप क्या करो इस 12 में से इस 3 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे आएगा 9, ठीक है। क्योंकि ध्यान दो ये CF है, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। फिर 20 टू 30, अब जब आप 20 टू 30 वाले बच्चे फाइंड करोगे, बिलो 30 में से बिलो 20 वाले माइनस कर दो, 27 में से 12 माइनस कर दो, यहाँ पे 15 आ गया। एज इफ 30 टू 40, तो 57 में से 27 माइनस कर दो, यहाँ 30 आ गया। ऐसे ही 40 टू 50, ठीक है, 75 में से 57 माइनस कर दो, 18 आ गया। ऐसे 50 टू 60, तो ये आ गया 5। लेकिन आप इनका सम करके देखो, जितना ऊपर वाले टेबल की लास्ट टर्म है उस इतना इसका सम भी 80 बनेगा। कैसे, ये देखो, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी आ गई और ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी। 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 15 27, 27 प्लस 30 57, 57 प्लस 18 75 प्लस 5 80 आ गया बच्चों, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि मॉडल क्लास कौन सी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वो मॉडल क्लास होती है। तो ध्यान से देखो, ये आपकी मॉडल क्लास आ गई, 30 टू 40 आपकी मॉडल क्लास है। तो उन्होंने आपसे मॉडल क्लास पूछा था, तो आपका आंसर सी आ गया, 30 टू 40, ओके। अब हम आगे लास्ट क्वेश्चन पे, 9 क्वेश्चंस ही हैं, सॉरी 10 क्वेश्चंस हैं, ओके ओके, आगे भी पढ़े हैं तो आज हमने 10 तक ही करनी है। तो आपका जो 9th क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कौन सा है। द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, सेम क्वेश्चन जो हम पहले कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो ये तो हमें इजिली मिल ही गया ना, कि इसकी जो मॉडल क्लास होगी वो कितनी है। मॉडल क्लास आ गई 125 टू 145, ठीक है। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो आपकी आ गई 125। अब आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ पे क्लास लिखनी होगी 65 टू 85, फिर आगे 85 टू 105, 105 टू 125, 125 टू 145, 145 टू 165, 165 टू 185 एंड 185 टू 205, ओके। अब इसके सामने फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 4, 5, 13, 20, 14, 7, 4, ठीक है। उसके बाद हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं।
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखी, ये हो गया 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 22, 22 प्लस 20 42, 42 प्लस 14 56, 56 प्लस 7 63, 63 प्लस 4 67, ठीक है। तो इसका सम जो आएगा उसका सम भी 60। देखो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म होती है ना वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के सम की इक्वल होती है बच्चों, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आप n बाई टू निकाल लो, 67 बाई टू कर लो, कितना आएगा 33.5। अब 33.5 देख लो कहां तक होगा, अब यहां तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां तो 22 तक है, अब 33.5 इसमें होगा, तो 125 टू 145 जो आपकी आ गई वो आ गई मीडियन क्लास। क्या आ गई आपकी मीडियन क्लास। अब उन्होंने क्या कहा है आपको, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो ये 145 आ गई, 145 डिफरेंस करना है आपने अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास का और लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास का, मींस आपने 145 में से 120 माइनस करनी है, तो जो आपका सही आंसर है उसी ऑप्शन आ गया, 20 आ गया। ओके बच्चों, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, द टाइम्स इन सेकेंड्स टेकन बाय 150 एथलीट्स टू रन अ 100 मीटर हर्डल रेस एट टेबुलेटर बिलो द नंबर ऑफ, आपको ये दिया है कि 13.8 to 14, ठीक है, इतने सेकंड में जो रेस पूरे करने वाले एथलीट हैं वो कितने, दो हैं, 14 सेकंड से लेके 14.2 सेकंड्स में जो रेस पूरे करने वाले एथलीट हैं वो 4 हैं, तो ऐसे आपको एक टेबल दिया है। तो उन्होंने कहा है नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 14.6 सेकंड्स, तो 14.6 सेकंड से कम में जिन्होंने रेस कंप्लीट की, तो जिनके ऊपर मैं सर्कल्स कर रहा हूं इन सभी का सम आ जाएगा 71 प्लस 5 76 प्लस 4 80 प्लस 282, तो ये आपका सही आंसर है, दैट इज सी ऑप्शन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू।